हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी पाठशाला में। सीजीपीएससी पाठशाला में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीजीपीएससी प्री 2020 का जो नोटिफिकेशन आया है, जिसमें आपके 143 पोस्ट आए हैं, तो उसके प्रिपरेशन, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। पिछले 4-5 सालों के क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड समझ के उसका एनालिसिस करते हुए किस सेक्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, कैसे ओएमआर शीट फिल करना है, कितने आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, कितने आपके कट ऑफ मार्क्स रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा सेक्टर पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन से सेक्टर को आपको इग्नोर करना है, पेपर को सॉल्व करने का पैटर्न क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, केवल हम इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज़ों पर हम बात करेंगे, गप की बातों को हम इग्नोर करेंगे। गप की बातें क्या है लास्ट में बताऊंगा कि किस प्रकार से जो है एग्जाम आने के टाइम एक हवा उड़े रहता है कट ऑफ मार्क्स को लेकर के, उस पर हम आपके वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान समझते हुए चलिएगा। सीजीपीएससी प्री 2020, ठीक है, इसमें आपके पोस्ट आए हैं, नंबर ऑफ पोस्ट है आपके 143, ठीक है, 143 पोस्ट आपके आए हैं। इस 143 पोस्ट में से आपके मेंस में कितने स्टूडेंट अपेयर होंगे, देखिए जितने भी आपके पोस्ट आते हैं उस पोस्ट का 15 गुना जो आपके स्टूडेंट जो है वह आपके मेंस में अपेयर होते हैं। 143 पोस्ट है तो 143 पोस्ट का 15 गुना यानी कि 2145, ठीक है, 2145 स्टूडेंट जो है ये आपके मेंस देंगे। ठीक है, ये तो आपका कंफर्म फिगर है। ठीक, 2145 जो आपके स्टूडेंट है ये आपके मेंस देने बैठेंगे। हर साल जो है पीएससी के फॉर्म भरे जाते हैं, लास्ट ईयर पीएससी के फॉर्म भरे थे लगभग 1,10,000 स्टूडेंट ने। ठीक है, एक लमसम आपका डाटा बता रहा हूँ, 1,10,000 स्टूडेंट ने जो है लास्ट ईयर आपका पीएससी का फॉर्म भरा था। तो इतना बड़ा डाटा सुनकर के हमको डरना नहीं है, इस 1,10,000 में से मात्र 20,000 ही ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जो प्रॉपर तैयारी करके एग्जाम देते हैं। बाकी के बचे हुए जो आपके 70,000 से 80,000 जो स्टूडेंट है वो केवल नाम मात्र के लिए कि फॉर्म निकला है भर देंगे, तुक्का मारेंगे निकल जाएगा, ऐसे लोग रहते हैं। प्रॉपर तैयारी करके एग्जाम में जो बैठने वाले स्टूडेंट की संख्या मात्र रहती है आपकी 20,000। अगर आप भी प्रॉपर सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो ये जो हर साल पेपर में जब कभी भी आपका फॉर्म भरा जाता है तो एक बड़ा फिगर आता है आपके न्यूज़पेपर में कि इस साल पीएससी के लिए जो है फॉर्म भराए गए, आंकड़ा ये हर साल बढ़ते जा रहा है। लेकिन ये डाटा देख करके भरना नहीं है, आपको डरना नहीं है कि मात्र 143 पोस्ट के पीछे इतनी बड़ी भीड़ बैठी है। इतनी बड़ी भीड़ केवल भीड़ बढ़ाने के लिए ही रहती है, ठीक है, वो डरने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, कम से कम 20,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रॉपर जो है तैयारी के साथ एग्जाम देने बैठे हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ फ्रेशियर्स रहेंगे जो पूरी 1 साल से तैयारी कर रहे हैं और कुछ जो है आपके 2-3 सालों से तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी बैठेंगे जो ऑलरेडी जो है एग्जाम, कई एग्जाम फाइट करके पहुंचे हैं। तो आप सभी का जो आपकी लड़ाई है वो इन्हीं 20,000 स्टूडेंट में से रहेगी। ठीक है, तो 143 पोस्ट है तो 143 पोस्ट का 15 गुना ये आपका कंफर्म डाटा है कि 2145 जो आपके स्टूडेंट जो है ये आपके मेंस में अपेयर होंगे। और ये जो आपका जो फिगर दिख रहा है 2145, यही डिसाइड करेगा आपका कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, आगे हम देखेंगे पेपर का लेवल भी डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल किस प्रकार से आया है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर के स्तर के ऊपर भी आपका कट ऑफ मार्क्स आपका डिसाइडेड रहता है। लेकिन हाँ, नंबर ऑफ पोस्ट और कितने स्टूडेंट आपके एग्जाम में अपेयर होंगे ये भी आपका एक फैक्टर है कट ऑफ मार्क्स के बढ़ने और घटने का। ठीक, देखिए जो आपका हमारा सीजीपीएससी प्री है, मैं आपको जो भी चीज बताऊंगा वो केवल फ्रेशियर्स को ध्यान में रखते हुए बताऊंगा, ठीक है, ताकि ये चीजें सभी को समझ में आए। देखिए, जो आपका सीजीपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और आपका पेपर 2। ठीक है, दो शिफ्ट में आपके एग्जाम होंगे, फर्स्ट शिफ्ट जो कि 2 घंटे का रहेगा, सेकंड शिफ्ट जो कि 2 घंटे का रहेगा। 100-100 क्वेश्चन के आपके सेट पूछे जाएंगे दोनों आपके क्वेश्चन पेपर में, और हर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक, देखिए तो ये जो आपका पेपर 1 है, पेपर 1 में आपका 50 क्वेश्चन अकेले आपके छत्तीसगढ़ से पूछा जाएगा, जबकि बचा हुआ जो 50 क्वेश्चन है ये भारत के सामान्य ज्ञान यानी कि इंडियन जनरल स्टडी से पूछा जाएगा। ठीक है, जो आपका पेपर 1 है, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, जबकि बचा हुआ जो 50 क्वेश्चन है ये भारतीय सामान्य अध्ययन यानी कि इंडियन जीएस से पूछा जाएगा।
जो पेपर टू है, पेपर टू है आपका सी सेट, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन में जो है आपका मैथ्स और रीजनिंग से 70 से 75 क्वेश्चन आपके मैथ्स और रीजनिंग से पूछे जाएंगे, जबकि हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा से 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ये लमसम एक डाटा है जो अभी इतने सालों से जो क्वेश्चन पूछे जाता रहा है। ठीक, पहला इंपॉर्टेंट चीज जो आपका पेपर वन जो है, पेपर वन के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। मेरिट लिस्ट यानी कितने लोग जो है आपके मेंस में अपेयर होंगे वो आपका डिसाइड होगा पेपर वन से। लेकिन जो पेपर टू है, पेपर टू केवल आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, केवल आपका क्वालिफाई करने वाला पेपर है। ठीक, इस पेपर को आपको क्वालिफाई करना है, इस पेपर के मार्क्स आपके ऐड नहीं होते। पेपर टू का जो नंबर है ये कभी भी जुड़ता नहीं है। जो भी आपका रैंक डिसाइड होगा, जो भी आपका कट ऑफ डिसाइड होगा, वो आपके पेपर वन से डिसाइड होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पेपर टू को छोड़ देना है। पेपर टू को जब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्वालिफाई का मतलब जब तक 33% मतलब जब तक 33 क्वेश्चन आप करेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे पेपर टू में, तब तक जो है आपका पेपर वन चेक नहीं होगा। ठीक है, जिन स्टूडेंट ने पेपर टू को सॉल्व करके 33% क्वालिफाई मार्क्स क्रॉस किया है, केवल उन्हीं स्टूडेंट का आपका पेपर वन चेक होगा। ठीक है, ये चीज आप पहले ही क्लियर कर लीजिए। ठीक, हर किसी को मैंने देखा है, कोई भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो वो अधिकतर पेपर वन पर फोकस करता है। उनकी मेंटेलिटी क्या रहती है कि पेपर वन से जो है हमारा जो है रैंक डिसाइड होगा, हमको नंबर जो है जितने नंबर हम पेपर वन में लाएंगे उसी नंबर के आधार पर जो है हम आपके मेंस में अपेयर होंगे, उसी के आधार पर आपके कट ऑफ मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, ये सोच रहे सही है, लेकिन इस चक्कर में अगर आपने पेपर टू को इग्नोर कर दिया तो आप पेपर वन के लायक ही नहीं बचेंगे, आपकी पेपर चेक ही नहीं होगी। ठीक है, तो पेपर टू को इग्नोर नहीं करना है। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट की यही गलती रहती है कि मैथ्स और रीजनिंग को लास्ट के एक महीने पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो गलती बिल्कुल नहीं करना है। पेपर टू पर ध्यान देना है। पेपर टू अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका इसमें आप 100 में से अगर 90 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें आप ढंग से आप 30 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो ये आपका 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पूरा वेस्ट हो जाएगा, पूरा वेस्ट है, क्योंकि पेपर आपका कोई खोल के देखेगा ही नहीं। तो ये क्वालिफाई करना है, इसको कन्फर्म कर लीजिए। ठीक, देखिए, तो जो आपका पेपर वन है इसमें 100 क्वेश्चन है। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से आएगा, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से। इसके अंतर्गत इंक्लूडिंग टॉपिक है आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास, जहां से मेजर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और भी दो तीन आपके छोटे छोटे आपके सब टॉपिक्स रहेंगे, उसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, केवल जो आपको मेंशन करके बता रहा हूं, जो मेजर जो आपके टॉपिक है जिससे ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, उसके अलावा छत्तीसगढ़ का भूगोल और आपका पर्यटन स्थल। छत्तीसगढ़ का भूगोल यानी कि नदी, पहाड़, पर्वत, चट्टान, भूगर्भिक संरचना, स्थलाकृति, ठीक, पर्यटन स्थल, तो ये सारे चीजें जो है आपके छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत आएगी। उसके बाद नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ की जनजाति, कला, संस्कृति, पर्व, ठीक है, छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, पर्व, उसके अलावा साहित्यकार, छत्तीसगढ़ के जो है आपके समाचार पत्र, ये सारे सेक्टर आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय। ठीक है, ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय बहुत परेशान करता है ये सभी स्टूडेंट को। उसके बाद नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इसमें आपका इकोनॉमिक सर्वे और आपका छत्तीसगढ़ का जो आपका बजट है, ये दोनों चीजें आएगी। इकोनॉमिक सर्वे, छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे 2019-20। ठीक है, कोई भी 2021 के चक्कर में बैठे मत रहना, आपका इकोनॉमिक सर्वे 2021 आएगा आपका 7 या 8 फरवरी के आसपास आएगा, वो तब तक जो है आपका एग्जाम पेपर सेट हुआ, सेट जो आपका एग्जाम पेपर है वो आपका ऑलरेडी सेट हो चुका रहेगा। ठीक, तो इकोनॉमिक सर्वे जो आपका 2019-20 है उसको पढ़ना है, बजट 2020-21 आपको पढ़ना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ समसामयिक यानी कि छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर। ठीक, देखिए, जो आपका भारत का जो सामान्य ज्ञान है उसमें आपका सामान्य अध्ययन में आपके इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे। इंडियन हिस्ट्री में प्राचीन, मध्य, आधुनिक भारत से क्वेश्चन आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री में प्राचीन से बहुत कम, मध्यकालीन से बहुत कम, लेकिन आधुनिक भारत का जो आपका इतिहास है इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये जो आपका इतिहास से अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 में से एक क्वेश्चन आपका मध्य, आपका जो है प्राचीन भारत से उठाएगा। ठीक है,
मध्यकालीन भारत से एक या दो क्वेश्चन उठाएगा, मध्यकालीन भारत यानी कि दिल्ली सल्तनत मुगल काल, उसमें भी क्या उठाता है, उसमें जो उनके जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, यानी कि दारा सिकोह की रचना हो गई, ठीक है, या फिर आपके भारत के इतिहास से संबंधित कोई रचना हो गई, ये उठाएगा। उनके स्थापत्य से उठाएगा, यानी कि कौन सा महल किसने बनाया या किसका मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थापत्य कला से उठाता है आपके मध्यकालीन में। लेकिन कम से कम 10 में से 8 क्वेश्चन जो है ये आपके आधुनिक भारत के इतिहास से आएंगे। अगर हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आता है तो उसका मेजॉरिटी जो क्वेश्चन है वो आपका आधुनिक भारत का इतिहास रहता है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, कांग्रेस, भारत की आजादी, ये सारे चीजों को मिलाकर के जो है जितने भी नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं वो सबको मिलाकर के मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपके आधुनिक भारत से आता है। नेक्स्ट है आपका भारत का संविधान, तीसरा है भारत का भूगोल, चौथा है आपकी अर्थव्यवस्था। ये शुरू के 4 टॉपिक को मिलाकर के लगभग आपके 35 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी जो पोर्शन आता है वो आपके इतिहास और संविधान से आता है, भूगोल और अर्थशास्त्र से ज्यादा नहीं। आपको 3-3, 4-4, 5-5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे जो ट्रेडिशनली चलते आ रहे हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण, ठीक है, और नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर, और उसके बाद है विविध यानी कि मिसलेनियस, ठीक। तो ये तो था आपका सिलेबस जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इधर आप मार्क्स को कैलकुलेशन, मार्क्स की कैलकुलेशन को समझ लीजिए। जो आपका जो एक क्वेश्चन आपके जैसे 100 क्वेश्चन का सेट है, एक क्वेश्चन अगर आप करेक्ट सॉल्व करते हैं तो उसको आपका 2 मार्क्स मिलेगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 मार्क्स मिलेगा। जबकि एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपके 2/3, ठीक है, 2/3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, यानी कि निगेटिव मार्किंग होगी। ध्यान समझिए, कई लोग की मेंटेलिटी क्या रहती है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने का 2 मार्क्स हमें मिलेगा, और अगर क्वेश्चन गलत होता है तो 1/3 यानी कि 1/3 यानी कि 0.33% मार्क्स जो है ये हमारा निगेटिव होगा। और ये सबसे बड़ी गलती है, जो आपका नोटिफिकेशन आया है या जो क्वेश्चन पेपर आता है, अगर आप उसके फ्रंट या बैक साइड में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि एक सही क्वेश्चन हल करने पर आपको निर्धारित 2 अंक मिलेंगे। क्या? निर्धारित 2 अंक। लेकिन अगर कोई प्रश्न गलत होता है तो गलत प्रश्न के निर्धारित अंक में से 1/3 अंक आपके काट लिए जाएंगे। तो निर्धारित अंक कितना है? निर्धारित अंक है आपका 2 मार्क्स, यानी कि यहां आपका 2 × 1/3 कटेगा, यानी कि 0.33 नहीं 0.66 या 0.67 मार्क्स जो है आपके निगेटिव होंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स निकालने का जो फॉर्मूला है ये है आपका 2 × r, यानी कि 2 × सही आपके जितने आपने सही प्रश्न हल किए माइनस 2/3 × रॉन्ग अटेम्प्ट, यानी कि जितने क्वेश्चन आपने गलत किए, ठीक। देखिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो रहता है आपका 33%। मैं जनरल कैटेगरी को लेते हुए चल रहा हूँ, ओबीसी की अगर हम बात करेंगे तो ओबीसी के लिए रहता है आपका 23%, ठीक है। 33% क्वालिफाइंग मार्क्स है। ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका 33% पेपर 2 के लिए, ये तो सभी को जो है क्रॉस करना जरूरी है, ठीक है। 33 क्वेश्चन आपने राइट अटेम्प्ट किया तभी आपका पेपर 1 आपका सेलेक्ट होगा, यानी पेपर 1 जो है आपका चेक होगा और उसमें आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे। लेकिन अगर आपने इसमें 33% भी क्रॉस नहीं किया तो आपका पेपर 1 चेक नहीं होगा, ठीक। पेपर 1 में भी जो है आपका क्वालिफाई मार्क्स जो है ये 33% है, लेकिन ये जो है आपका यूजलेस है, अभी से बता दे रहा हूं, ठीक है। अक्सर जो है एग्जाम होते हैं और एग्जाम के बाद हमारे पास कॉल आते हैं कि सर हमारे जो है हमने 33 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया है आपके पेपर 1 में तो कितने चांसेस है? आप लोग का कोई चांस नहीं रहेगा, 33% तो केवल क्वालिफाई मार्क्स है। क्वालिफाई मार्क्स मतलब अगर आपने 33 क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं तो नेक्स्ट एग्जाम से पहले, यानी कि जो आपका पीएससी के जो अगले साल जो आपका प्री का एग्जाम होने वाला रहता है उसके 1 महीने पहले आपका रिजल्ट आता है सीजीपीएससी प्री के प्रीवियस ईयर का, तो उसमें केवल आपके मार्क्स शो होंगे, ठीक है। पूरा लिस्ट जारी करता है पीएससी जिसमें आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मार्क्स दिए रहेंगे अगर आपने 33% मार्क्स या 33% जो है आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। वो आपका मेरिट तय नहीं करेगा, मेरिट तय करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा इसमें स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। एक लमसम जो हम सेफ जोन की बात करते हैं, ठीक है, अगर एक सेफ जोन की बात करें हम पेपर 1 के लिए कि कितना सेफ जोन, कितने आपके परसेंट क्वेश्चन सॉल्व करने पर आप सेफ जोन में हैं। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए अभी जो वर्तमान में जो आपके क्वेश्चन का ट्रेड चल रहा है उसमें जो है 65% अगर आपने क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट किए हैं तब आप सेफ जोन में हैं और आप मेंस की तैयारी के लिए बैठ सकते हैं। ओबीसी में है तो अप्रॉक्स 62%, एससी और एसटी में है तो लगभग 45-50% क्वेश्चन आपने राइट अटेम्प्ट किए हैं,
45 से 50 प्रतिशत का मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपके 65 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। ओबीसी से है तो 62 क्वेश्चन लगभग जो है आपके करेक्ट होने चाहिए। एससी और एसटी कैटेगरी से है तो लगभग 45 से 50 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए, तब जो है आप मेंस का सपना देख सकते हैं, तब आप सेफ जोन में। मैं ये नहीं बोल रहा कि इतने में जो है आप सेलेक्ट हो जाएंगे या इतने में आप मेंस में अपीयर हो जाएंगे। मैंने क्या बताया, मेंस में अपीयर होने का एक फैक्टर यह भी है, नंबर ऑफ पोस्ट कम है तो यहां फिर जो है कट ऑफ मार्क्स हाई जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट आपका अधिक रहता तो यहां पे भी थोड़ा बहुत कट ऑफ मार्क्स जो है आपको कम ज्यादा इसमें परसेंटेज देखने के लिए मिल जाता, ठीक। लेकिन अभी जो पिछले 2 साल से जो क्वेश्चन का ट्रेड आ रहा है उसके हिसाब से आप लोग जो है 65% 62% 45 से 50% इसमें ही अपने आप को आप सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। कोई ये मत सोचिएगा कि हमने 33% ला करके एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, इतने में आप क्वालिफाई नहीं होंगे, केवल आपके रिजल्ट में आपका नाम मेंशन होगा। ये जो है ये आपका अप्रॉक्स आप लोग का सेफ जोन है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि इस साल भी इतना आपका कट ऑफ मार्क्स जाएगा, कट ऑफ मार्क्स क्वेश्चन पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति विशेष आपको पहले से यह नहीं बता सकता कि इस साल क्वेश्चन का जो है कट ऑफ कितने जाने वाला है। एग्जाम होने से पहले ही अगर कोई आपको दावा करके बोलता है कि इस साल जो ये आपका एग्जाम अभी होने वाला है इन फ्यूचर में उसका कट ऑफ मार्क्स इतना इतना जाएगा, तो वो व्यक्ति बेवकूफ है। बिना क्वेश्चन पेपर को देखे जो आपके क्वेश्चन पेपर जो आपके हाथ में आया है, जब तक 100 क्वेश्चन पे अगर नजर नहीं पड़ जाती तब तक क्वेश्चन का लेवल या उसका स्तर देखे बगैर कोई भी आपको कट ऑफ मार्क्स नहीं बता सकता, ठीक है। कट ऑफ मार्क्स आपके जो है पिछले 2 साल में जो है कट ऑफ मार्क्स आपके हाई जा रहे हैं, ठीक है। आगे हम इस पर और डिस्कस करेंगे। देखिए जो स्टूडेंट से जो गलती होती है मैं आपको वो बता रहा हूँ, और अक्सर जो हमारे पास कॉल सुनने के लिए आते हैं, जो डाउट डिस्कशन करने के लिए आते हैं या सजेशन के लिए आते हैं, मैं उस पर थोड़ा सा बात करता हूँ। जैसे ही CGPSC का नोटिफिकेशन आता है हर साल, सबका फोकस रहता है आपके पेपर वन पे, और पेपर वन में भी तो ये जो 50 क्वेश्चन है जो आपके इंडियन GS का, उसको लोग पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं, पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही रहता है कि छत्तीसगढ़ सर हमको पढ़ना है, छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बेस्ट बुक बताइए, ठीक है। कोई नहीं पूछता कि इंडियन GS के लिए हमको कोई बेस्ट बुक बताइए, ठीक है। जितने हमारे पास कॉल आते हैं उसमें से मात्र 20% ऐसे लोग रहेंगे जो बोलेंगे हमको इंडियन GS के लिए बुक बताइए करके। मैक्सिमम लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि हमें छत्तीसगढ़ के लिए बुक बताइए, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़। और मैक्सिमम जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है CGPSC प्री का, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट केवल इसी छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। इस पर बहुत कम ध्यान देंगे, एक बार पढ़ करके छोड़ दिए तो रिविजन करने की भी जरूरत नहीं है, ये इनकी मेंटेलिटी है। उनका मेन फोकस क्या है, हम छत्तीसगढ़ PSC दे रहे हैं, इसमें मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जो है मेन क्वेश्चन छत्तीसगढ़ GS से आता है, तो हम मेन फोकस करेंगे आपके इस 50 क्वेश्चन पर, ये जाए भाड़ में। और यही कारण जो है लोगों के एग्जाम नहीं निकलते। 50 क्वेश्चन है इसमें आपका इंडिया, आपका जो है छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, जनजाति है, ग्राम पंचायत नगरीय निकाय, अर्थव्यवस्था, और आपके छत्तीसगढ़ समसामयिकी है। अगर 50 क्वेश्चन भी अगर इसमें से पूछे जा रहे हैं, आपकी कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों ना हो, इस 50 क्वेश्चन के 50% से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि 50 का जो है आप मात्र 25 क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकेंगे। अगर आप और कितनी भी अच्छे से तैयारी क्यों ना कर लिए हो, मैक्स टू मैक्स आप इसमें 25 से 30 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर सकते हैं, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो क्या इस 30 क्वेश्चन से क्या आप मेंस में बैठ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। सेफ जोन अगर जनरल कैटेगरी का देखा जाए तो वही आपका 65 क्वेश्चन है, और बाकी यहां पर आकर के सब खत्म। मेन सबका फोकस रहेगा यहां पर, और PSC को भी यही पता है कि ये जो आपके स्टूडेंट है वो मेनली आपके छत्तीसगढ़ GS पर फोकस कर रहे हैं। आप क्वेश्चन का ट्रेड उठा करके देख लीजिए, जितना इजी आपका इंडियन GS को जितने इजी पूछता है उतना ही क्वेश्चन घुमाता है आपके छत्तीसगढ़ GS से, क्योंकि PSC को ही पता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट है वो आपके छत्तीसगढ़ GS का ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें इजी क्वेश्चन डाल नहीं सकता वो, ठीक है। जो मेन क्वेश्चन घुमाया जाता है वो छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से ही उठाया जाता है, और छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के ही क्वेश्चन घुमाया जाएगा हर साल। जो है आपको इस 50 में से 5 क्वेश्चन ऐसे देखने मिलेंगे जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, या मार्केट में जो बुक अवेलेबल है उस बुक में आपको दिखेगा ही नहीं। ग्रंथ अकेडमी की कुछ पुस्तकों में एग्जाम में क्वेश्चन आने के बाद उसके सोर्स मिलते हैं, लेकिन पहले किसी का ध्यान नहीं जाता, और हम वही भेड़ चाल में आपका छत्तीसगढ़ GS को पढ़ते चले जाते हैं।
50 क्वेश्चन में से मेरी गारंटी है 30 क्वेश्चन, अगर किसी की बहुत अच्छी तैयारी रही तब जाकर के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट रहेगा, बाकी जो है पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन हर कोई अटेम्प्ट नहीं कर सकता। जिसने अटेम्प्ट कर लिया वो एक्सट्रीम लेवल पर है, उसको तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन यहां हम एक एवरेज स्टूडेंट को लेते हुए चल रहे हैं, ठीक। बाकी जो आपका पीएससी जो है इतिहास को ज्यादा घुमाता नहीं है, काफी इजी पूछता है, संविधान को भी ज्यादा घुमाता, संविधान में कथन आधारित जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से आपको घुमा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में है तो इसमें भी ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल क्वेश्चन संविधान के क्वेश्चन को घुमाने के लिए उसको स्टेटमेंट वाला कर देता है, कूट आधारित प्रश्न कर देता है, आपका 7-8 ठोक स्टेटमेंट दे देगा, कूट पूछेगा, 1-2-3 सही है, 3-4-5 सही है, 4-5-6 सही है, ऐसे करके जो है आपको कूट आधारित प्रश्न देगा। भूगोल के क्वेश्चन ये अक्सर करंट से रिलेटेड रहते हैं, जैसे कि सबरीमाला केस हुआ, या आपके जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कोई मुद्दा रहा, या कोई आपका नेशनल पार्क, कोई राष्ट्रीय उद्यान, कोई अभ्यारण्य अगर हाईलाइट में रहा तो मेन क्वेश्चन उससे बनेंगे। भूगोल में भी मेन करंट इशू के आसपास ही घूमता है आपका इंडियन, क्योंकि जो आपका जियोग्राफी है उससे जो है मुश्किल से 4 या 5 से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं। उसके बाद है आपका इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मतलब इसमें इंडियन बजट डाल देगा 2020-21 और इकोनॉमिक्स से कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन डाल देगा, यानी कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का जो है मुख्य आधार क्या है, जीडीपी है, जीएसपी है, आपका प्रति व्यक्ति आय कितना होता है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछता है, करंट का कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा इससे। बाकी है आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी, आपका पर्यावरण, करंट अफेयर और आपका विविध। दूसरी गलती क्या करते हैं, जो लोग छत्तीसगढ़ जीएस को तो पढ़ रहे हैं उसके साथ जिन लोग इंडियन जीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इंडियन जीएस की तैयारी करने वाले हिस्ट्री पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र को भी थोड़ा बहुत देखेंगे, बाकी इसको भी इग्नोर कर देते हैं, इकोनॉमिक्स को इग्नोर कर देंगे, विज्ञान को इग्नोर कर देंगे, करंट को इग्नोर कर देंगे, मिसलेनियस को इग्नोर कर देंगे। उनके लिए इंडियन जीएस का मतलब भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारत का भूगोल, बस इतने में उनका इंडियन जीएस हो जाता है, खत्म। साइंस के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देगा, साइंस के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं हम छोड़ देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है अलग अलग बैकग्राउंड से रहते हैं, कोई आर्ट्स के स्टूडेंट रहते हैं, कोई कॉमर्स के स्टूडेंट रहते हैं, उनके लिए मैथ्स और साइंस सबसे बोरिंग सब्जेक्ट रहता है और उसको छोड़ देते हैं। करंट अफेयर को तो ऐसे इग्नोर मारेंगे क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने की तो किसी की हैबिट रहती नहीं है, लास्ट के 1 महीने में कोई मैगजीन उठा करके ला लेंगे, उसको रट्टा मार लेंगे, फंस गया तो जयराम जी, बाकी फिर चलते बनो। उसके बाद मिसलेनियस को भी कोई ध्यान देता नहीं है। इन 3 चीज जो है जब कभी भी पेपर आपका इजी आता है तो ये लास्ट के 3 जो आपके धुरंधर बैठे हैं यही आपको एग्जाम में बचा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन घुमा सकता है, लेकिन ये साइंस, करंट अफेयर और मिसलेनियस ये कभी आपको धोखा नहीं देंगे। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, 2015 पीएससी, 2016 पीएससी, 2017 पीएससी, हर बार मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। हमको लगता है कि जो छत्तीसगढ़ का जो आपका जीएस है, आपका जो छत्तीसगढ़ का जो आपका सामान्य अध्ययन का जो पेपर 1 में जो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें क्लासिफाइड करके हर एक सेक्टर से 5-5, 6-6 क्वेश्चन डालेगा, ये हमारी मेंटेलिटी है, लेकिन पीएससी का कोई भरोसा नहीं। 2015 में पीएससी ने आपके छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन के नाम पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे आपके ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय से। 2015 में उसने केवल ग्राम पंचायत पूछा, 2016 में उसने केवल नगरीय निकाय पूछा, और 2017 में उसने छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण पूछा था। हमको क्या लग रहा है कि हमारे सिलेबस में ये सब चीजें तो है, लेकिन पीएससी कभी भी मेंशन करके नहीं बोलता कि किस सेक्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। अभी तो पिछले 2 साल से जो है एक बैलेंस पेपर आ रहा है, लेकिन पीएससी कब पलटी मार दे कोई भरोसा नहीं, ठीक। पीएससी का रिकॉर्ड खराब है, 15 में ग्राम पंचायत पूछा, 16 में नगरीय निकाय पूछा, 17 में जो है छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक्स में जो है उसने छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण पूछ लिया था। और जब क्वेश्चन, जब देखिए आपके 2017 से पहले कोई भी आपके इकोनॉमिक सर्वे को उठा करके पढ़ता भी नहीं था, 2017 में जब आपके इकोनॉमिक सर्वे से पूरा क्वेश्चन आए तब उसके बाद लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चालू किया, और जिस साल इकोनॉमिक सर्वे आपका आया था क्वेश्चन पेपर में तब क्वेश्चन पेपर को बचाने वाला जिनका साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, मिसलेनियस, ये पोर्शन जो आपका जिनका स्ट्रांग था उसको कवर कर लिया इन लोगों ने, ठीक है। जो 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 चीज़ें उनकी छत्तीसगढ़ जीएस में छूटी हुई थी उन सभी चीज़ों को कवर कर लिया आपके ये लास्ट के 3 लोगों ने, ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर और मिसलेनियस ने। तो क्वेश्चन पेपर कब धोखा दे दे कोई भरोसा नहीं, तो अपने आप को प्रिपेयर रखना है हर तरह से, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। मैंने यहाँ पे एकदम काफ़ी लिमिटेड चीज़ें आपके बोर्ड पर लिखी हुई है, ठीक।
बैलेंस पेपर आ रहा है। देखिए इससे पहले जो है अगर हम 2017 तक की बात करें तो उससे पहले कट ऑफ कितना जाता था, कट ऑफ मार्क्स अगर जनरल कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं करते थे तो उस समय जो है आपका कट ऑफ मार्क्स 45% जाता था, यानी कि जनरल कैटेगरी का एक स्टूडेंट अगर 45 क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट करता तो वो मेंस में अपेयर हो सकता था। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो 65% यानी कि 65 क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करने पर भी जो है कई बार एग्जाम में स्टूडेंट नहीं बैठ पा रहे हैं। उसका कारण क्या है, पीएससी ने जो क्वेश्चन का जो तरीका है वो चेंज कर दिया है। 2 साल से जो क्वेश्चन आ रहा है बैलेंस क्वेश्चन आ रहा है, ज्यादा कथन आधारित प्रश्न नहीं आ रहे, ज्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं आ रहे, सिंगल क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन आता है। 2017 से पहले 5 ऑप्शन रहा करते थे जिसमें आपका एक ऑप्शन रहा करता था 5वां ऑप्शन ई, जिसमें इनमें से कोई नहीं, और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जब आता था तो मैक्सिमम स्टूडेंट इस इनमें से कोई नहीं ऑप्शन के कारण रिस्क लेकर के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि पीएससी का रिकॉर्ड भी था कि जो आपके जब आंसर की आते थे तो आंसर की में से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे रहते थे जिसका आंसर इनमें से कोई नहीं हुआ करता था, या कोई क्वेश्चन विवादों में आ जाता था तो पीएससी अपने आप को विवाद से बचाने के लिए इनमें से कोई नहीं आपका आंसर ले लिया करता था। तो उस कारण जो है स्टूडेंट ज्यादा रिस्क लेकर के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, क्वेश्चन का आप जो है आपके ऑप्शन हो गए हैं आपके 4। अब स्टूडेंट को पता है कि जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन का आंसर इन्हीं 4ों में से कोई एक है। पहले क्या था, अगर स्टूडेंट को डाउट भी रहता था तो वो 5वां जो आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं वो उसको डराता था। अब क्या हो गया है, 4 ऑप्शन होने के कारण अगर स्टूडेंट के माइंडसेट में थोड़ा सा भी अगर लग रहा है कि 4ों में से कोई एक आंसर हो सकता है तो थोड़ा सा रिस्क लेकर के वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जा रहे हैं, और जिसके कारण ये क्वालिफाई मार्क्स आपका बढ़ते जा रहा है। क्वालिफाई मार्क्स नहीं, ये आपका सेफ जोन यानी कि सिलेक्शन मार्क्स आपके बढ़ते जा रहे हैं। क्वालिफाई मार्क्स तो उसको बोलना या कट ऑफ आपका जो है बेवकूफ़ी है, कट ऑफ मार्क्स आपके बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, तो ये जो मेन रीज़न है जो आपके पिछले 2 साल से आपका कट ऑफ मार्क्स बढ़ गया है। अब देखिए समझिएगा, क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ उसको समझिए। अगर आपने प्रॉपरली सिलेबस को कवर किया हुआ है, कवर किया है का मतलब साइंस टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट को भी पढ़ा हुआ है, साइंस टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट से आपके एकदम डीप में, ऐसा नहीं है कि जो मैथ्स और आपके साइंस बैकग्राउंड के हैं केवल उन्हीं से बनेंगे, केवल एप्लीकेशन आधारित क्वेश्चन आते हैं। अगर केमिस्ट्री से आ रहा है तो केमिस्ट्री से ज़्यादा कुछ नहीं आपका वाटर गैस पूछता है, ठीक है, वाटर गैस पूछेगा या आपका कुछ आपके ज्यादा एकदम डीप नहीं कुछ फॉर्मूला पूछ देगा, जैसे जिप्सम का क्या फॉर्मूला है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, बेकिंग सोडा को आपका उसका रासायनिक सूत्र क्या है, ऐसे टाइप का आपके केमिस्ट्री से पूछता है। फिजिक्स से अगर पूछना हुआ तो एप्लीकेशन पूछता है यानी कि उसके उपयोग पूछता है कि जो है कांच के मिरर, कांच का जो है जो आपके कार है, जो आपके मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल और कार में जो है पीछे देखने के लिए जो आपका दर्पण लगाया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है, दांतों के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं, लेंस से प्रश्न आता है, मानव नेत्र प्रश्न आता है, ठीक है, ये एप्लीकेशन से प्रश्न आते हैं। अगर बायो में अगर हमको जाना हुआ तो बायो में जो बीमारियों से प्रश्न आते हैं, बीमारियों के नाम से प्रश्न आते हैं, विटामिन से प्रश्न आते हैं, रक्त से प्रश्न आते हैं, इससे ज्यादा जो है क्वेश्चन जाता ही नहीं, 5 क्वेश्चन में कितना ही पूछ लेगा। इन्वायरमेंट में जाना हुआ तो अम्ल वर्षा से पूछ लेगा, प्रदूषण के जो है टाइप से पूछ लेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा, ओजोन से पूछ लेगा, ग्रीन हाउस गैसों के नाम पूछ लेगा, 5 क्वेश्चन में कितना ही क्वेश्चन आ जाएगा। करंट अफेयर, उससे 5 क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर जो है जो हाईलाइट में जो साल में जो सबसे ज्यादा मुद्दा रहता है, ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछता है। करंट अफेयर के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर से अपडेट रहना चाहिए। नोबेल प्राइज जो आपका इस साल डिस्ट्रीब्यूट हुआ, नोबेल प्राइज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो प्राइज है, प्राइज से तो क्वेश्चन आते ही है, ठीक है, प्राइज से आएंगे, खेल से आएंगे, इस साल कौन सा खेल का कौन सा संस्करण रहा, पुस्तक से प्रश्न आते हैं, तो ये 5 क्वेश्चन इससे रहेंगे। विविध, विविध के अंतर्गत मिसलेनियस यानी कि छत्तीसगढ़ की, सॉरी आपके इंडिया की जो आपका कला संस्कृति दर्शन, दर्शन भी आपको कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपके जो इतिहास के अंतर्गत जो आपके 6 दर्शन रहते हैं, ठीक है, सांख्य दर्शन, ठीक है, सांख्य दर्शन, चार्वाक दर्शन, उससे क्वेश्चन आएंगे। भारत के नृत्य से प्रश्न आएंगे यानी कि कहाँ पे कौन से नृत्य है, चित्रकला से प्रश्न आएंगे, चित्रकला की शैली से प्रश्न आएंगे, मूर्तिकला शैली से प्रश्न आएंगे, ऐसे क्वेश्चन जो है आपके 5 ठोक यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। अब देखिए अगर हम जनरल कैटेगरी का 65 क्वेश्चन अगर हम सेफ जोन समझते हुए चल रहे हैं तो इसको समझते हुए चलिएगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया 50 क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ से आया, एक एवरेज स्टूडेंट इस 50 में से, ठीक है, अगर आपकी तैयारी अच्छी रही तो मैं इसको मानते हुए चल रहा हूं कि आपने इसमें 30 क्वेश्चन जो है करेक्ट अटेम्प्ट किया,
ठीक है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, वरना 25 तो मैं सोचते हुए चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी 30 क्वेश्चन आपने राइट अटेम्प्ट किया। अब जो है 35 क्वेश्चन आपके इतिहास से आ रहा है, संविधान से आ रहा है, भूगोल से आ रहा है, अर्थशास्त्र से आ रहा है। तो इस 35 में से आपने अटेम्प्ट किया 25 क्वेश्चन, ठीक है, आपसे 25 क्वेश्चन बने, ठीक। उसके बाद ये जो आपका साइंस और आपका टेक्नोलॉजी है, 5 में से आपसे बने 3 क्वेश्चन। करंट अफेयर में से 5 में से बने आपसे 3 क्वेश्चन। विविध में से 5 से बने आपके 3 क्वेश्चन। तो कितना हो रहा है, 30, 25, 55, और इसको आप अप्रॉक्स ले लीजिए 3, 3, 6, 3, 9, इसको आप अप्रॉक्स ले लीजिए 10। तो कितना हो रहा है, 30 + 25 = 55, 55 + 10 = 65, आप ऑलरेडी सेफ जोन में आ जाएंगे अगर आपने इस सारी चीजों को अच्छे तैयारी किया। ऐसे नहीं है कि इसकी 35 क्वेश्चन आया तो 35 के 35 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल भी रहता है, ठीक है। हर साल जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके स्टूडेंट को घुमा देते हैं, तो एक उसका 50% हम लेते हुए चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ पे आप लोगों का ज्यादा फोकस रहता है, तो मैं ये लेते हुए चल रहा हूँ कि 50 में से आपने कम से कम 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, इसमें 35 में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, बाकी में से 3, 3, 3। अगर आपका सारा सिलेबस कवर है तो ऑलरेडी आप सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। तो जनरल कैटेगरी का है, अगर आप ओबीसी से है तो आपको और कम हो जाएगा, एसटी एससी से है तो बिल्कुल ही आपको बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को आप ये मत समझिए कि छत्तीसगढ़ पढ़ लिए मतलब आपका पेपर वन क्लियर हो जाएगा, अगर इसको इग्नोर कर दिए तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, और पेपर टू को इग्नोर कर दिए तो बिल्कुल भी आप पेपर से बाहर हो जाएंगे, ठीक। तो ये होता है पेपर को थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका। सारे सेक्टर को लेते हुए चलिए, हर सेक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपका अगर मैं एक सही अनुमान के हिसाब से अगर हम चले, तो हो सकता है, एक अनुमान के हिसाब से बता रहा हूँ, हो सकता है इस साल इकोनॉमिक सर्वे और आपके ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय पर थोड़ा सा फोकस रहेगा, क्योंकि पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो है एक बैलेंस क्वेश्चन आ रहा है, जिन्होंने पिछले 2 साल से जो पीएससी देते आ रहे हैं, तो उसमें एक बैलेंस क्वेश्चन आ रहा है। हो सकता है कि इस साल भी बैलेंस क्वेश्चन आए, एक अनुमान बता रहा हूं कि इस साल के क्वेश्चन पेपर में शायद आपको ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय और इकोनॉमिक सर्वे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ऐसा कोई मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इस सेक्टर को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, और सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको छत्तीसगढ़ करंट अफेयर पर। अगर अभी जो एग्जाम हो रहे हैं, जो अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए, जैसे कि आपके केमिस्ट्री के एग्जाम हुए, ठीक है, और भी 2-3 आपके एग्जाम पीएससी ने कंडक्ट कराए, तो उसमें लगभग 8 से 10 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से आ रहे हैं, 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। और जिसने करंट अफेयर का वीडियो पूरा देखा है, या जो हमने आपके करंट अफेयर का मैगजीन बनाया है, उसको अगर जिस किसी ने फॉलो किया होगा, तो 10 में से 8 क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ये गारंटी मैं दे रहा हूं, क्योंकि उससे बाहर नहीं गया है। मैंने टेलीग्राम में कुछ सोर्स भी आपसे शेयर किया हुआ था, ठीक। जो करंट अफेयर को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, या करंट अफेयर की मैगजीन को भी जिसने पढ़ा है, तो 10 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं, तो 10 में से 8 क्वेश्चन केवल जो है हमारे करंट अफेयर के वीडियो या फिर आपके मैगजीन से आ रहे हैं, ठीक है। ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, एक बता रहा हूं, विथ प्रूफ मैंने उसमें बताया हुआ है, ठीक। तो करंट अफेयर पर इस बार ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जब से भूपेश बघेल जी की सरकार आई है, तब से वो बहुत सारी नई स्कीम निकाल रहे हैं, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ठीक है, आपके अभी दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक, ऐसे बहुत सारे स्कीम निकाल चुके हैं वो, ठीक है, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य सहायता योजना। तो अब क्या है, पीएससी अगर देखा जाए तो ये 50 में से 10 क्वेश्चन का वेटेज आपके छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से रहेगा। तो करंट अफेयर को इग्नोर मत करना, ठीक है। 50 में से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का रहना बहुत बड़ी बात है, और उस 10 में से अगर आपसे 8 क्वेश्चन भी बन जाए, तो बहुत क्वेश्चन है वो आपके लिए, ठीक। तो इस बार मेन फोकस करना है आपको करंट अफेयर पर, ठीक। ग्राम पंचायत नगरीय निकाय को एक बार इग्नोर कर देंगे तो भी चलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ करंट अफेयर आपका एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। देखिए, बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें संविधान की, ठीक है, संविधान में तो अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो ग्राम पंचायत नगरी निकाय तो आएगा ही, लेकिन संविधान में आपको क्या याद करना है, मेनली आपको फोकस करना है आपकी राज्य की विधायिका पर, संसद पर, विधानसभा पर, राष्ट्रपति पर, राज्यपाल पर, मुख्यमंत्री पर, ठीक है। जो आपके राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति के जो है अध्यादेश जारी किए जाते हैं, आपकी जो विधेयक है, धन विधेयक, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक, लोकसभा, राज्यसभा, इसके अलावा जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश, इसके अलावा जो है आपका जो आपका आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है, संवैधानिक आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है, कितने समय में उसे जो है पेश करना लोकसभा के किसी एक सदन में जरूरी रहता है, ये सारी चीज़ों आपको मेन फोकस करना है, ठीक है।
राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये इसी के इर्द गिर्द ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियाँ, ये क्वेश्चन का जो है आपका इसी सेक्टर से आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, शुरू से पढ़ते मत बैठे रहिएगा कि आपका अध्याय एक, अध्याय मतलब भाग एक, भाग दो। मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आते हैं, मौलिक अधिकार से आएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से आएगा, राष्ट्रपति से आएगा, राज्यपाल से आएगा, मुख्यमंत्री से आएगा। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, आपके आपातकाल से आएगा, राष्ट्रपति राज्यपाल की शक्तियों से आएगा, तो थोड़ा उस पर फोकस कीजिएगा। ठीक, बाकी मैंने भूगोल का बता दिया है, इकोनॉमिक्स का बता दिया है, साइंस का बता दिया, करंट अफेयर और मिसलेनियस। ठीक, तो इतने में जो है आप लगभग 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बात आती है पेपर नंबर टू की। पेपर नंबर टू का जैसे ही बात आता है तो सबसे पहले डरते हैं आपके नॉन मैथमेटिक्स या आपके नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट, जो बीए से, जो आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट लेकर पढ़े हुए हैं, जो कॉमर्स के सब्जेक्ट लेकर के पढ़े हुए हैं, उनका जो है मैथ्स रीजनिंग स्ट्रांग नहीं रहता। जब आपको अपनी गलती पहले से ही पता है कि आपका मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है, तो उस गलती को कवर कीजिए, आपकी मदद कोई नहीं करेगा। लेकिन फिर भी अगर आप स्मार्ट वर्क करना जानते हैं, तो यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो केवल मैथ्स और रीजनिंग नहीं है, सी सेट में मैथ्स और रीजनिंग के साथ हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा भी है। मैथ्स रीजनिंग के लिए तो आप बहाना बना सकते हैं कि हमसे मैथ्स रीजनिंग बनते नहीं है, लेकिन हिंदी और छत्तीसगढ़ी को भी क्या है पढ़ने की जरूरत, उसको भी कोई पढ़ाने वाला चाहिए क्या? हिंदी और छत्तीसगढ़ी ऐसे है जो क्वेश्चन देख करके उसके ऑप्शन बन जाते हैं, ऑप्शन देख करके, यानी कि वो क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर आप रेगुलरली अगर छत्तीसगढ़ के किसी गांव वाले इलाका से या अपने गांव भी अगर आप लोगों का आना जाना रहा होगा, तो छत्तीसगढ़ी भाषा में भी कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो आपसे क्वेश्चन पढ़ करके नीचे चार ऑप्शन देखने से आपसे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। जब आपको पता है कि आपका मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है, मैथ्स और रीजनिंग में आप कमजोर है, तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी को ज्यादा फोकस कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैथ्स रीजनिंग को आपको छोड़ देना है, मैथ्स रीजनिंग में सेलेक्टेड टॉपिक को आपको पढ़ना है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस करना है हिंदी और छत्तीसगढ़ी में। इस 70 से 75 क्वेश्चन का तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये जो 25 से 30 क्वेश्चन है ये आपके हाथ में है। ठीक है, जो नॉन मैथमेटिक बैकग्राउंड से है, सबसे पहले आपको इस पर फोकस करना है। ठीक है, और फोकस भी कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है, जैसे कि 30 क्वेश्चन आपका आ रहा है, एक लमसम बता रहा हूं, शुरू से जो है आपका शुरू से 75 क्वेश्चन, ठीक है, 70 से 75 क्वेश्चन आपका मैथ्स और रीजनिंग से रहता है, 75 क्वेश्चन के बाद आपका हिंदी और छत्तीसगढ़ी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैं एक अनुमान बता रहा हूं, ठीक है, कभी 25 आता है, कभी 28 आता है, कभी 30 आता है, कभी कभार 20 ही क्वेश्चन आ जाता है, एक अनुमान था, हम 30 क्वेश्चन लेते हुए चल रहे हैं, 30 क्वेश्चन अगर हिंदी और छत्तीसगढ़ी से आ रहे हैं, तो आप अपना हिंदी और छत्तीसगढ़ी को इतना स्ट्रांग रखिए कि आपसे 30 में से 25 क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट होने चाहिए। क्वालिफाई करने के लिए कितना चाहिए, 33 क्वेश्चन, 33 में से आपने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही लिया है, तो बचा कितना, 8 क्वेश्चन। तो आप इतने भी गए गुजरे नहीं है कि मैथ्स और रीजनिंग से कोई 8 क्वेश्चन बना सके। रीजनिंग से कई क्वेश्चन आते हैं, आपके रक्त संबंध से प्रश्न आते हैं, एवरेज से आते हैं, आपके साधारण ब्याज से क्वेश्चन आते हैं, प्रॉब्लम ऑफ ट्रेन से आते हैं, काम और समय से आते हैं, नाव और धारा से प्रश्न आते हैं, जिसमें केवल पुट दी वैल्यू गेट दी आंसर वाला रहता है, फॉर्मूला याद है तो केवल वैल्यू पुट करो आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या 8 क्वेश्चन भी आप इस मैथ्स रीजनिंग से नहीं बना पाएंगे? थोड़ा सा स्मार्टली वर्क कीजिए। ठीक है, जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है वो एक चीज का ध्यान रखिएगा, सीसेट पेपर आप कभी भी सॉल्व करने बैठेंगे, कभी भी आप सीसेट का पेपर सॉल्व करने बैठते हैं, तो क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपकी घंटी बजती है, क्वेश्चन पेपर को कभी सीधा ओपन नहीं करना है, क्वेश्चन पेपर को पलट करके ओपन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 100 जो आपके 100वें नंबर क्वेश्चन से उल्टा सॉल्व करना चालू करना है, कभी भी पहले प्रश्न से सॉल्व करना चालू नहीं करना है। ठीक है, इवन दो जो आपके मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से भी है उनके लिए भी ये मेरा सजेशन रहेगा, बाकी आप अपने जिस तरीके से आप लोग अपना पेपर सॉल्व कर सकते करते हैं उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरा जो सजेशन है वो यही रहेगा, जिनका फर्स्ट टाइम जो एग्जाम देने वाले हैं वो हमेशा पेपर को पलट करके 100वें नंबर क्वेश्चन से 100, 99, 98, 96, 97 ऐसे करके पेपर सॉल्व कीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो आपका छत्तीसगढ़ी और जो हिंदी लैंग्वेज से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही ईजी रहते हैं। और गलती क्या होती है, देखिए जो 2 घंटे का समय जो दिया जाता है ना, वो पेपर वन के लिए बहुत समय रहता है, आप इस 2 घंटे के समय में पेपर वन को आप 3 बार सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी तैयारी अच्छे से है तो, जबकि पेपर टू के लिए 2 घंटे का समय बहुत कम होता है। लोग गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर आया, पहले क्वेश्चन से गणित को सॉल्व करना चालू किए, सॉल्व करते गए, लास्ट के फिर 15 मिनट तक वो जो है आपके केवल मैथ्स और रीजनिंग ही सॉल्व कर रहे हैं, और लास्ट के बचे हुए 15 मिनट में हड़बड़ी में ये 25 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और हड़बड़ी
में होती है गड़बड़ी, और एंड टाइम में जो है इसके आंसर जो है आपके गड़बड़ा जाते हैं और याद नहीं आते। और सबसे सरल जो आपका हिंदी और छत्तीसगढ़ी है वो मैथ्स और रीजनिंग में टाइम दिए जाने के कारण इसके लिए समय नहीं बचता और ये गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से, उसके बाद फिर आप मैथ्स और रीजनिंग की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। पहले हिंदी और छत्तीसगढ़ी को सॉल्व करेंगे। हिंदी और छत्तीसगढ़ी में अगर आपके 20 क्वेश्चन, आपके 25 भी नहीं, आपके कम से कम 20 क्वेश्चन भी आपका अगर आपके सॉल्व हो रहा है, उसको OMR शीट में उसके बबल फिल कर लीजिए, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको 33 क्वेश्चन आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, ऑलरेडी आपके 20 बबल ऑलरेडी आपके फिल हो चुके हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपका मैथ्स के क्वेश्चन भी आपसे बनेंगे। होता क्या है कि जब कभी भी आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं, अगर किसी एक क्वेश्चन में अगर आप अटक गए तो वही एक क्वेश्चन आपको 15 मिनट तक परेशान कर सकता है। लास्ट में अगर आप वो क्वेश्चन को छोड़ करके आगे भी बढ़ेंगे ना, तो आप भले आप 10वें नंबर क्वेश्चन पर है, लेकिन अभी भी आपका दिमाग जो है आधा ध्यान जो है पहले नंबर क्वेश्चन पर ही रह जाएगा, और वो जाता है उसके कारण जो है आगे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। लेकिन जैसे ही आप हिंदी और छत्तीसगढ़ी को सॉल्व करके 20 क्वेश्चन का बबल फिल कर देंगे, आपका कॉन्फिडेंस इतना हो जाएगा कि आप जो है क्वेश्चन को देखते से सॉल्व करेंगे, जो नहीं बन रहा उसको ऑटोमेटिकली आप छोड़ देंगे, क्योंकि आपके पास आपके दिमाग में एक अनुमान रह जाएगा कि मेरे पास मेरे 20 क्वेश्चन पहले से रेडी है, तो अगर ये क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो इसको मैं लास्ट में देखूंगा, ठीक। ये मेंटेलिटी से चला कीजिए। दूसरा चीज, पेपर कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता रहा हूँ, जो फ्रेशर्स है उनके लिए बता रहा हूँ, जो लोग 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं वो अपने हिसाब से पेपर सॉल्व कर सकते हैं। पेपर वन की मैं बात कर रहा हूँ। कभी भी पेपर सॉल्व करने बैठेंगे, पेपर को हमेशा 3 अटेम्प्ट में सॉल्व करना है। कभी भी ऐसा मत करना कि मैं पहले पहला नंबर क्वेश्चन देख लूँ, उसको टिक लगा लूँ, दूसरा का कर लूँ, उसको टिक लगा लूँ। ऐसे करते करते एक एक क्वेश्चन पूरा पढ़ते पढ़ते कभी भी 100 तक मत पहुँचना। क्वेश्चन पेपर को 3 स्टेप में 3 बार में सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? पहले बार जब आप क्वेश्चन पेपर को खोलेंगे तो सबसे पहले आपको केवल ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिसका क्वेश्चन पढ़ते से ही आपको उसका आंसर आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाए, ठीक है। आपके माइंड में तुरंत जो है उसका आंसर स्ट्राइक कर जाए, यानी कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा, ऑप्शन को आपने देखा ही नहीं, क्वेश्चन को पढ़ने से ही आपके माइंड में उसका आंसर आ गया। 1 से लेकर 100 तक ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलिए, केवल क्वेश्चन पढ़िए सॉल्व करते चलिए, आपके दिमाग में उसका आंसर आया, फिर उसको ढूंढिए, उसको टिक कीजिए, आगे बढ़िए। पहले अटेम्प्ट में कभी भी कथन आधारित प्रश्न, कूट आधारित प्रश्न, कथन आधारित कूट आधारित का मतलब 7-8 स्टेटमेंट दे देता है, फिर उसमें बोलता है 1-2-3 सही है, 3-4-5 सही है, 5-6-7 सही है, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। सुमेलित कीजिए, यानी कि मैच द फॉलोइंग, ऐसे बड़े क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। केवल सिंगल क्वेश्चन, 4 ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलिए। 1 से लेकर 100 तक केवल ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिसका क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में उसका आंसर स्ट्राइक करे। और फिर पेपर को साइड करके आप सबसे पहले जितने क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुए उसके बबल फिल कीजिए। बबल फिल करने को लास्ट के लिए बचा करके नहीं रखना है, बहुत बड़ी गलती होती है। जब आप एक साथ पूरा बबल फिल करने के लिए बैठते हैं तो अगर एक हाथ भी नंबर अगर आपका आगे पीछे हुआ तो पूरा का पूरा OMR शीट आपका गंदा हो जाएगा और आप ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बीच में आपको आंसर लगाना था 52 नंबर क्वेश्चन पर, आपने 53 पर लगा दिया, और 53 से आगे लगाते गए फिर पता चला कि आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है और पूरा बबल आपका गायब हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन का सिक्वेंस आपका बिगड़ जाएगा। पहले 1 से 100 तक आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, बबल को उसमें फिल कीजिए, आराम से फिल कीजिए। पहले अटेम्प्ट में यकीन मानिए अगर आपकी तैयारी सही है तो आपसे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे केवल एक ही नजर पर देखने वाले, ठीक। फिर उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट में फिर से पहले नंबर क्वेश्चन से चालू कीजिए। अब उसमें क्वेश्चन को पढ़िए और उसके नीचे के 4 ऑप्शन को देखिए, कैसे 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 ऑप्शन, केवल सिंगल क्वेश्चन और जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन को देखिए, अगर आपको लग रहा है कि इस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है तो उसको टिक मारते हुए आगे बढ़िए। सेकेंड अटेम्प्ट में फिर से आपसे 20 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होंगे अगर तैयारी सही है तो। फिर से पेपर को साइड रख करके फिर से OMR शीट के बबल को पूरा लास्ट तक भरिए, 100 क्वेश्चन तक, 20-20-40। पहले आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व किया, सेकंड में आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व किया, 40 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद तीसरे अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, कूट आधारित, सत्य असत्य कथन, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। ऐसे करते करते तीसरे अटेम्प्ट में आपका 60 क्वेश्चन हो जाएगा। फिर उसके बाद आप 5 क्वेश्चन का अरेंजमेंट इधर उधर करके कर सकते हैं, आप सेफ जोन में आ जाएंगे, ठीक है। कैटेगरी वाइज वाले भी आप ऐसे ही करेंगे।
बाकी जो लोग 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं आप अपना मेथड फॉलो कीजिए, लेकिन ये पेपर सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है और इससे गलती होने की गुंजाइश सबसे कम रहती है। आपने पूरा का पूरा एक बार में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लास्ट में जो है टाइम ओवर होने के लिए 10 मिनट बचा है, उस 10 मिनट में आप इतने स्पीड से OMR शीट के बबल भरेंगे कि गारंटी है कि आपसे जो है वो बबल आपके इधर उधर हो जाएंगे, यानी कि किसी और क्वेश्चन का आप मार्क टिक करना चाह रहे थे वो किसी और क्वेश्चन में हो जाएगा, जिसके कारण पूरा OMR शीट आपका खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज, अभी जैसे हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रहा है तो उसमें बहुत लोग काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लेकिन ये भ्रम में मत रहिएगा कि टेस्ट सीरीज में जो आपने स्कोर किया है वही चीज़ वही सारा सेम कंडीशन आपका एग्जाम हॉल में रहेगा। एग्जाम हॉल में आपके ऊपर प्रेशर रहता है क्योंकि वो जो 2 घंटे का समय है वो आपका आगे का फ्यूचर डिसाइड करेगा। घर में तो आप फ्री माइंड होकर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सबमिट करते हैं, मार्क्स आता है, रैंक आता है, टॉप कर जाते हैं, लेकिन जो एग्जाम में जो आपके एग्जाम हॉल में जो आपका प्रेशर रहता है ना, उसमें अच्छे अच्छे धुरंधर की हालत पस्त हो जाती है। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते करते पूरी बॉडी पूरा आपका बॉडी हीट करने लगता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है आप कभी भी रिस्क लेकर के कोई भी गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले 10 बार आप सोचेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर को थोड़ा सॉल्व करने का अपने हिसाब से थोड़ा तरीका रखिएगा। दूसरी चीज, ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा जिसमें आपका कथन वाले प्रश्न है। कई बार क्या पूछता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमारा ध्यान क्या कहाँ पे है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, केवल हमने यहीं तक देखा और सही कथन ढूंढने के लिए हम बैठ गए, लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, लेकिन हम हड़बड़ी में क्या करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है पढ़ लेते हैं, जिसके कारण क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, ऐसे टाइप के प्रश्न आते हैं, तो ऐसे टाइप के प्रश्नों से थोड़ा बचना है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही एग्जाम पास में आता है, एग्जाम को 10 दिन बचे रहते हैं, जो ऑलरेडी 2-3 साल से तैयारी करते रहते हैं, ठीक है, आप कभी भी जो है अपने से सीनियर लोगों से आप जो है थोड़ा डिस्कस करने के लिए जाएंगे, तो कुछ लोग ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको बताएंगे कि इस बार जो है क्वालिफाई यानी कि कट ऑफ मार्क्स आपका 55% जाने वाला है, 50% जाने वाला है, 70% जा सकता है, 75% जा सकता है। तो यकीन मानिए ऐसे लोग बेवकूफ़ है और ऐसे लोगों को आपसे बचना है, और ये लोग जो है आपको आपके जो है जो आपका जो एक आपने अपना मेंटेन करके रखा है जो आपका मोरल जो है वो मोरल को इन लोग डाउन कर देंगे, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन पेपर को हाथ में लेकर के 100 क्वेश्चन पर जब तक कोई नजर नहीं मार लेता तब तक पहले से कोई भी कट ऑफ मार्क्स नहीं बता सकता। मैंने हर बार देखा है कि बहुत सारे YouTube चैनल क्या करते हैं कि आपके एग्जाम डेट से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले वीडियो बना करके बताते हैं कि इस साल का कट ऑफ मार्क्स इतना जाएगा, सरासरी बेवकूफ़ी करते हैं वो लोग, और ऐसे लोगों को आपसे बच के रहना है, ठीक है। ऐसे लोगों से आप बिल्कुल बच करके रहिए, आप ऐसे लोगों से बिल्कुल एकदम बेवकूफ़ी भरा वो बात करते हैं और आपका मोरल ये डाउन कर देंगे। जो लोग ऑलरेडी 2-3 सालों से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी पता होगा एग्जाम हॉल में पेपर को हाथ में लेकर के 1 घंटे में ही वो अपना अनुमान लगा सकते हैं। जो 3-4 सालों से जो लोग एग्जाम दे रहे हैं वो 1 घंटे में ही अनुमान लगा के आपको क्वालिफाइंग मार्क्स बता देंगे, कट ऑफ मार्क्स बता देंगे कि इस साल सेलेक्शन कितने नंबर पर होगा। लेकिन कोई ऐसा दावा करता है कि एग्जाम होने के 5 दिन पहले अगर आपको कोई बोलता है कि इस बार कट ऑफ मार्क्स इतना जाने वाला है तो वो बेवकूफ है। ऐसे बेवकूफ लोगों से बचिए और ऐसे लोगों की सलाह लेने से बचिए, ठीक है। पहले से कट ऑफ मार्क्स जैसे अभी पिछले साल से जो है आपका कट ऑफ मार्क्स 65% के आसपास गया है, तो जरूरी नहीं कि इस बार भी जो है आपका 65% जाए, हो सकता है इस बार 40-45% जाए। क्वेश्चन पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा, 50% में भी हो सकता है, 55% में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि पिछले बार जितना गया था उससे और ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा जा भी सकता है, कम भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा पेपर के लेवल के ऊपर। तो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते समय थोड़ा सा समझदारी बरतिएगा, ध्यान से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, गलती नहीं करना है, जिस तरीके से बताया सारे सेक्टर को फोकस करते हुए चलिएगा। मार्क्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितने आपके मेंस में अपेयर होंगे, ये सारे चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और सारे सेक्टर को कॉल कीजिएगा। अकेले केवल छत्तीसगढ़ का रट्टा मारते मत बैठे रहिए, अकेला छत्तीसगढ़ आपको डुबाने के लिए काफ़ी है। थोड़ा सा इधर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, स्पेशली नीचे के ये जो 3 धुरंधर बैठे हैं इन पर भी थोड़ा फोकस कर लीजिए, अगर अभी समय है तो, काफ़ी समय है, लगभग 2 महीने का समय आपके पास अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। सही डायरेक्शन में अगर आप अपने तैयारी करें तो प्री क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। अकेले छत्तीसगढ़ के पीछे अगर आप बैठे रहे और पेपर 2 को अगर आपने इग्नोर कर दिया तो आपको डुबाने से भी कोई नहीं बचा सकता, अपनी गलती के आप खुद जिम्मेदार होंगे,
ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।